her children from the menace of drug abuse and alcohol. सबसे पहले हमने एबीके वुमेन वीक के नाम से काम किया था, फिर उसके बाद हमें हमारे एबीके वुमेन वीक के प्रेसिडेंट एक एंटी ड्रग्स कमिटी अंदर एबीके वुमेन वीक ईस्टर्न यूनिट में फॉर्म कर दिया था, बना दिया था, क्योंकि हम लोग दिन रात हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है. एनी टाइम जब हमें कोई बुलाता है, कोई माँ रो के बुलाती है, या कोई सिस्टर हमको इन्फॉर्मेशन देता है, या कहीं से भी हमारे इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि पासीघाट में ड्रग्स आने वाला है, सप्लाई आने वाला है, या घर में बच्चे तोड़फोड़ कर रहे हैं ड्रग्स लेके, एनी इन्फॉर्मेशन जब हमें मिल जाते हैं तो एनी टाइम, सुबह हो, दिन हो, रात हो, या सुबह के 1:20 2 AM हम निकल पड़ते हैं. तो इसीलिए उसके कारण हमें सेपरेट एक कमिटी बना दिया गया था, एंटी ड्रग्स कमिटी एबीके वुमेन विंग के अंदर में. पर इन 26 जनवरी 2016 हमारी उस कमिटी को डिजॉल्व कर दिया गया था. तो जितना भी उसके कमिटी मेंबर्स थे, एंटी ड्रग्स कमिटी के मेंबर्स थे, हमने एक मीटिंग बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, और उसमें हम सब ने यूनेनिमसली डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारे काम को रुकने नहीं देगा. ड्रग्स के खिलाफ, शराब के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है, हम रुकने नहीं देगा. तो इसीलिए आज वी आर वुमेन अगेंस्ट सोशल इवल्स. हमारे लिए सब बच्चे एक हैं. बहुत लोगों ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, ट्राइब के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, या ये हमारे रिलेटिव से, ये बड़ा आदमी है, ये पॉलिटिशियन है, पर हमने रुकने नहीं दिया. हमने नहीं देखा कौन पॉलिटिशियन है, कौन पिता है, कौन भूअर और ब्रदर, या हमारे क्लान मेंबर, या ये नॉन ट्राइबल है, ये पासीघाट का नहीं है, ये तो आइन है, नॉन ट्राइबल है, या ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये डोनी पोलो है. हमने नहीं देखा. हमने सिर्फ देखा वुमेन अगेंस्ट सोशल इवल्स मदर्स ने, बहन ने सिर्फ देखा सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे डोनी पोलो हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी ट्राइब की भी हो, बच्चे हमारे हैं, माँ के बच्चे हैं. तो इसीलिए उसी दिन हमने कसम लिया, हम सभी मदर्स ने कसम लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये काम नहीं रुकने वाला. और हम ये काम शुरू करने के बाद ऑल आवर वासे मदर्स सिस्टर, भूलने की बीमारी है, आ गई है, बहुत भूलता है. तो इसीलिए भूलने से पहले ये फर्स्ट हम वुमेन अगेंस्ट सोशल इवल्स की तरफ से और उन्हीं सभी मदर्स, अफेक्टेड मदर्स की तरफ से हमारे डीसी सर श्री तमियादागा जी और एसपी सर को थैंक यू कहते हैं फॉर स्टैंडिंग रॉक सॉलिड बिहाइंड अस इज वन. एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ नहीं देगा तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा और इतना नहीं कर सक पाते हम अगर ये लोग साथ नहीं देता. हम इतना कर पा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. व्हाई? बिकॉज उनका सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का सपोर्ट हमारे पास है. थैंक यू सर. शुरुआत में हमें बहुत तकलीफ मिली. कोई कहता है ये तो बड़ा आदमी है, या तुम्हारा भाई है, ये पॉलिटिशियन है, ये उसका रिलेटिव है, ये इसका रिलेटिव है, ये तुम्हारा दोस्त का वो. बहुत तकलीफ आए पुलिस के साथ भी. शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के साथ भी बहुत तकलीफ मिली है, बिकॉज हम भी नया है इस काम में. हमें पता नहीं कैसे ये काम करना है, किस तरह से करना है, किस ढंग से करना है, हमें पता नहीं. पुलिस का रेस्ट्रिक्शन, उसका ज्यूरिडिक्शन, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हमें पता नहीं था. हमें सिर्फ पता था ये ड्रग पेडलर है, इसको पकड़ना है, इसको पीटना है, इसको मारना है, इसको जेल ले जाना है. कैसे पकड़ेगा, क्यों पकड़ेगा, वो हमें पता नहीं था. रूल्स वी डिडंट नो, कुछ हमें पता नहीं था. बस हम काम करते गए और सीखते भी गया. तो आज हमें पता है एनटीपीएस एक्ट क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, चाइल्ड अब्यूज क्या है, पोक्सो एक्ट क्या है, आज हमें पता है, क्योंकि हमने काम नहीं छोड़ा, हमने करते रहा. टुडे वी नो. पासीघाट में या ईस्ट सियांग में
बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट का वी कैन नॉट से कॉन्फर्मेशन के साथ में, बट ईस्ट सियांग में क्यों ड्रग एडिक्शन इतना जल्दी फेल रहा है? तो हमने जो देखा वो हम आज बता रहे हैं. दिस इज बिकॉज दिस ड्रग पेडलर्स वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. सबसे वे पहले वो क्या करते हैं, बच्चों को देखते हैं और तीन कैटेगरी में भाग कर देते हैं. एक बहुत रिच जिसमें आता है डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, DC, जो बहुत ऑफिसर्स का, बड़ा बड़ा लीडर्स का बच्चे. देन सेकेंड कैटेगरी में आते हैं मिडिल क्लास, टीचर, क्लर्क, छोटा बिजनेसमैन. उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आते हैं लोअर क्लास, लेबर क्लास के बच्चे, लेबर जो जिसके माता लेबर करते हैं. देन फार्मर्स, विलेजर्स. तीन ग्रुप में वो लोग कैटेगराइज करके उसी हिसाब से ड्रग्स देता है. सबसे पहले वो दो बार या तीन बार बच्चों को फ्री से ड्रग्स देता है, बड़े प्यार से, वेरी केयरिंग. दैट टाइम शुरुआत में बहुत केयरिंग होता है, वो लोग बहुत प्यार से आप लोग से बात भी करेगा, आप लोग को उनका फ़ोन भी यूज़ करने देगा. एक दो दिन तक आपको उसका फ़ोन यूज़ करने देगा और ड्रग्स को फ्री में देगा, टेस्ट करो, ले लो. तीन बार करने के बाद आपको एडिक्शन हो जाता है. देन उसके बाद से शुरू होती है ड्रग एडिक बच्चों की कहानी. आपको एडिक्शन लगने के बाद चार बार जब आप उसके पास जाएंगे, भैया के पास जाएंगे, तो अगर आप उसे ड्रग्स मांगेंगे, दे विल नॉट गिव, तब शुरू होगा. बोलेगा हम भी इसको खरीदता है, इतना पैसा लेके असम से लेके आता है, जोनाई से, लेकू से, जेलांग से हम लोग लेके आता है, लैंग की बेकुड़ी से लेके आता है, पेट्रोल खर्चा होता है, तुम भी खरीदो, पैसा दो. तब से शुरू हो जाता है. और आपको एडिक्शन लगने के बाद आप तो किसी भी तरह से पैसा को निकल लेता है, माँ से झूठ बोल के, पापा से झूठ बोल के, बड़े भैया से झूठ बोल के, मामा से झूठ बोल के पैसा ले लेता है. और यहाँ में हमारे ईस्ट सियांग में हीरोइन, ब्राउन शुगर, गांजा, ओपियम और स्पास्मोप्रोक्सिबॉन, कफ सिरप और एक डिकोलिक टैबलेट, इट्स अ पेन किलर, पेट का वो है बोलता है, पेन किलर है, उसको ले रहा है बच्चे. डिकोलिक टैबलेट 3-4 टैबलेट एट वन गो दे टेक, उसके बाद में शराब पी लेता है, उसके बाद उसको एक किक मिलता है. आप लोग ट्राई किया है कि नहीं पता नहीं, पर ट्राई मत करना, क्योंकि उसको लेने के बाद, ये सब करने के बाद यू फॉरगेट एवरीथिंग. आपको आपका माँ का रोती हुई चेहरा भूल जाता है, यू डू नॉट रिमेंबर दैट. उसके बाद आपको चोट पहुंचने वाले, आप मर भी सकता है या आप किसी को मार सकता है, वो भूल जाता है. सो द केसेस ऑफ RTA रिलेटेड दैट इन ईस्ट सियांग वो आगे जा रहा है बहुत जल्दी से, तेजी से, एट एन अलार्मिंग रेट, क्योंकि वो पीने के बाद, वो टेबलेट लेने के बाद भूल जाता है और बाइक बहुत स्पीड से चलाता है और एक्सीडेंट होके मर जाता है या किसी को मार देता है. और जैसे सर ने कहा कि हर एक स्कूल के सामने में ड्रग्स बेचने वाला होता है, वो सही है, क्योंकि हमने वो मैंने कहा सोशल लेबल्स ने IGJ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने से पकड़ा है, मुर्गु स्कूल के सामने से पकड़ा है, पागल स्कूल के सामने से पकड़ा है, डिग्री स्कूल के सामने से पकड़ा है, GTC, JNC कॉलेज, सभी के स्कूल के और कॉलेज के पास से हमने ड्रग पेडलर्स पकड़ा है. वो सबूत पुलिस स्टेशन में है, वो सबूत कोर्ट में है, ये सब फैक्ट. क्यों स्कूल और कॉलेज के पास में होता है? क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर्स, इंक्यूजिटिव कस्टमर्स, जो आप लोग के एज के हैं, वो बहुत इंक्यूजिटिव होता है. ड्रग्स क्या है, इसको लेने से क्या होता है, कैसे फीलिंग होता है, तो ये सब वो लोग देखता है. देख के इसीलिए वो लोग हर एक स्कूल के पास में, कॉलेज के पास में अपना स्लिंग बैग लेके या बैग पैक में सामान को लेके इर्द गिर्द घूमता है और आप लोग को फुसला के या जो पहले से कस्टमर है उसको बेचता है. और जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे हैं या डिस्टर्ब चाइल्ड है या अदर रीजन, उसको वो लोग जल्दी से यहाँ में आइडेंटिफाई करके उसका पीछा लग जाता है, उसको जैसे भी हो ड्रग्स खिलाना है. ड्रग एडिक्शन या एल्कोहल एडिक्शन गलती कहाँ से हुआ, शुरू हुआ आप लोगों से? नो,
हमसे हुआ है. पेरेंट्स, स्पेशली ट्राइबल पेरेंट्स, नॉन ट्राइबल वो लोग उनको पता है, लेकिन हम जो ट्राइबल है, चाहे वो अपातनी हो, आदि हो, कलम हो, मिश्मी हो, मोनपा हो, हमसे गलती हुआ है. क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में, कल्चर में है शराब. चाहे वो कोई भी सेरेमनी हो, बर्थडे हो, फ्यूनरल हो, व्हाट एवर इट इज, हमारे सोसाइटी में अपम होता ही है. हर दिन हर शाम घर में अपम पीता है तो उसको बच्चे आप लोग देखते हैं तो ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस हो जाता है. इसीलिए हम कहते हैं गलती हमसे है, हमसे हुई है. और आज हम सभी पेरेंट्स की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो. हम भी छोड़ेंगे एडिक्शन, आप भी छोड़िए. यहाँ में ड्रग पेडलर्स लोग हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं. जो ड्रग एडिक बच्चे उसको ब्रेन वॉश करते हैं ग्रुप ग्रुप में रख के कि हम ये एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन कभी नहीं छोड़ेगा. और अगर कोई छोड़ेगा या जो आगे छोड़ेगा उसको यही ग्रुप के बच्चे, ड्रग एडिक बच्चे उसको मारेंगे या विल किल द रिलेटिव. उसका छोटा भाई, उसका माँ, उसका बहन मार डालेगा. और ये हकीकत है, सफेद, क्योंकि वो हमने देखा है. दो इंसिडेंट ज़्यादा नहीं बताएगा, अगर हमने जो देखा है पूरा पूरा दिन लग जाएगा बताने से, इसलिए दो सिर्फ बताएगा. एक है एक ड्रग एडिक्ट बच्चा जिसको हमने काउंसलिंग किया है, तो उन्होंने ही गेव अप, ड्रग्स छोड़ दिया है. उसके बाद वो घर से नहीं निकला है, घर का अंडर में बैठता है, घर में काम करता है, घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि बाहर निकलने से उसका दोस्त उसको फिर से ड्रग्स खिलाएगा. तो इसलिए वो घर के अंडर में बैठा था. तो वन डे वी गॉट अ कॉल कि जल्दी हमारे घर में आ जाओ. उसका माँ ने कॉल किया कि जल्दी हमारे घर में आ जाओ, उसका दोस्त आ गया है. तो हम लोग दौड़ के गया है, 5-6 ऑफ अस मदर्स, वासे मदर्स, दौड़ के जाके घर में देखे तो उसका एक दोस्त आया हुआ था. तो हम लोगों ने उसको चेकिंग किया, उसका क्लोथिंग को, लॉन्ग पैंट पॉकेट में, ये शर्ट पॉकेट में जाके चेकिंग किया तो उसमें मिला था ड्रग्स. तो ऐसा होता है, अगर आप छोड़ने चाहने से भी योर फ्रेंड्स विल नॉट अलाउ यू टू गिव अप ड्रग्स. वो आपका पीछे आते रहेगा. इसीलिए आपको हिम्मत होना है, विल पावर टू गिव अप ड्रग्स. ऐसा है. तो हमने उसका दोस्त को ठीक से पिटाई किया, उसका घर में वापस ले गया, उसका फ्रेंड का घर में वापस ले गया, उसका घर में छानबीन की, उसके बाद में पुलिस में दे दिया है विद वार्निंग कि अगर हमारे बच्चे को, जो ड्रग एडिक्ट बच्चे, दोस्त हुए गिवन ड्रग्स, गिवन अप ड्रग्स, वी कॉल देम चिल्ड्रंस ऑफ वासे. तो ऐसे बच्चे को अगर तुम पीछे लगेगा तो हम लोग तुमको मारेगा, फिर दोबारा नहीं आना है गलती से भी. विद दैट वार्निंग हम उसको पुलिस में भेज दिया. और दूसरा एक इंसिडेंट, एपीपी कॉलोनी में एक माँ ने दिन को रोते हुए कॉल किया है कि जल्दी आ जाओ, मेरा बच्चा 5 महीने हो गया ड्रग्स छोड़ दिया था. हम लोग इंटीरियर विलेज का था, वो लोग वापस पासीघाट में आ गया था. बच्चा जो था वो सुमो ड्राइवर था. तो वो आगे तो अभी उसको ड्रग्स दे दिए, बोन आके दे दिया, बच्चा पूरा मतलब वायलेंट हो रहा है. तो हम लोगों ने दौड़ के गया, देखा बच्चा बहुत वायलेंट था, ढाव डाव ये सब भी उठा के मारने किया था. बाद में पता चला है कि बच्चा जो था वो ड्रग्स को छोड़ के 5 महीना गांव में गया था वापस. वो सुमो ड्राइवर था, तो गांव में वो सुमो को चलाने का समय सुमो जो है टूट गया था, खराब हो गया था, तो उसको रिपेयर करने के लिए वो पासीघाट आया हुआ था. तो बच्चा को भी मालूम था यहाँ वापस आने से फिर से ड्रग्स करेगा, तो इसीलिए उन्होंने किया कि अपना माँ को साथ में बुलाया, आप भी साथ चलिए, नहीं तो फिर से हम करेगा, हमको डर लगता है. सो माँ और बच्चा पासीघाट आया, जैसे खबर मिला ड्रग पेडलर्स को, वो बच्चा को फ़ोन कर करके उसका लोकेशन पता करके घर में घुस के उसको ड्रग्स दे दिया. और हम आने से पहले, वो मैंने कहा सोशल मदर्स आने से पहले भाग लिया. तो इतना ऑर्गेनाइज है, इतना डिटरमाइंड है ड्रग पेडलर्स यहाँ का. उस दिन हमने उस ड्रग पेडलर को ढूंढा, उसका घर भी आदमी भेजा जाके कि अगर मिलेगा तो उसको
आज हम लोग उसको खत्म करना है, लेकिन नहीं मिला क्योंकि वो अपना घर से अपना लोकेशन से भाग गया था। तो ये दो इंसिडेंट है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा होशियार रहिए। फ्रेंड्स कौन है, भैया कौन है, दीदी कौन है, वो रियल भैया है, वो रियल दीदी है, वो रियल फ्रेंड्स है जो आपको गलत काम करने से रोकता है। मारपीट भी कर लेगा लेकिन आपको करने नहीं देगा। दोस्त पीपल आर योर रियल फ्रेंड्स, योर रियल दीदी, योर रियल भैया। अगर आप में से कोई ड्रग एडिक्ट है तो ये मत सोचिए यू कैन नॉट गिव अप, यू कैन गिव अप। आप हमारे पास आइए, आप अपने माता पिता के पास जाइए, बताइए, यू कम टू अस, विल वर्क इट आउट टुगेदर। हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारे बच्चे अच्छे हो गए हैं, पर उसको कंफर्मेशन नहीं है। हमारा कन्फर्म केसेस है 9 केसेस टिल डे, बच्चा जो है ड्रग एडिक्शन से दूर हो गया हमारे कार। तो बहुत सारे माता पिता आते हैं रोके कि आप लोगों ने उसको बोला है तो वो बच्चा छोड़ दिया है फिर ये ड्रग्स लेना, तो आप मेरा बच्चा भी वो आके थोड़ा काउंसिलिंग कर दें। तो इसी बात पर आई लाइक टू थैंक द मिश्मी वेलफेयर सोसाइटी एंड डॉक्टर सचिन परब कि आप, हम लोग सोचते थे हम लोग काउंसिलिंग में जाएगा न ड्रग पेडलर्स का पीछे जाएगा न पुलिस का साथ झगड़ा करेगा न एडमिनिस्ट्रेशन के साथ न क्या करेगा, जहाँ में वायलेंट हो रहा है वहाँ जाएगा, बहुत ऐसा और बहुत काम होता है तो नहीं कर पाते। लेकिन आज आप लोग आके उसको हल्का कर दिया है, आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया है। सर के सर ने जो कहा है, सचिन परब सर ने जो कहा है, हमें लगता है उसको आप लोग ध्यान से सुना है। अगर जितना बच्चा आज आया है वो कसम लिया है दिल से, तो वी आर श्योर वन डे हमारा पासीघाट जरूर फ्री एडिक्शन पासीघाट होगा। बच्चे को स्पेशली हम आज कह रहे हैं कि अगर आप अपने माता पिता से हमसे प्यार करते हैं सच्चे में, तो वो एक्शन से दिखाइए, आज हमें दिखाइए, कल का क्या पता। हम चले जाने के बाद आप रो रो कर कह के कि हम ड्रग्स नहीं करेगा, शराब नहीं करेगा, नशीली पदार्थें हम नहीं लेगा कहने से भी हम चले जाने के बाद, आपके माता चले जाने के बाद, पिता चले जाने को बताने का दिल में दुख लेकर मरेगा लास्ट तक कि हमारे बच्चे हमारे बात नहीं सुने, ये सोचकर। तो इसीलिए अगर आप सच्चे दिल से सच में हमसे प्यार करते हैं, माता पिता से प्यार करते हैं, आप अभी से ड्रग्स छोड़ दीजिए। ये काम करते करते अभी हमें थ्रेट्स भी आना शुरू हो गया है, बट वी डोंट केयर। हमने हमारी जिंदगी हमारे बच्चों के लिए दाव पे लगा दी, हमें कोई परवाह नहीं, कल को हमारे साथ कुछ भी हो जाए, वी डोंट केयर। जो होना है होने दो, पर बच्चों के लिए हम लड़ेंगे जरूर आखिरी दम तक। हमें चाहिए बस हमारे बच्चे नशा मुक्त हो, और उसके लिए हम मदर्स कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वी डू नॉट नो वेदर वी विल विन दिस वॉर ऑन ड्रग्स और नॉट, पर वन थिंग फॉर श्योर वी नो, हमें पता है कि ये जंग जारी रहेगी। लास्टली आई ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स की तरफ से, और आपके माता पिता जो आज हमें प्रेजेंट नहीं है उसके तरफ से हमारे सभी बच्चों को अपील करता है कि आप से नो टू ड्रग्स, गिव अप ड्रग्स। वुमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स तभी विल बी अ विनर इन रियल सेंस जब हमारे बच्चे ड्रग्स से एडिक्शन से फ्री होगा। जब तक आप एडिक्शन में हैं, ड्रग से फ्री नहीं है, वी आर नॉट विनर्स। चाहे हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन या सोसाइटी अवार्ड दो, फेलिसिटेट दो, वी आर नॉट विनर्स। दैट इज नॉट आवर अचीवमेंट। हमारा अचीवमेंट वो है जब आप लोग अपने दिल से एडिक्शन को गिव अप करेंगे। और आज
सोशल इवेंट्स हमारे बच्चों को जितने भी इस हॉल में प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं, विनती करते हैं, आप हमारा स्ट्रेंथ बनिए, बी आवर बैकबोन, आप हमारे बैकबोन बनिए, आप किसी का पैसा कमाने का जरिया मत बनिए, आप ड्रग्स को टोटली छोड़ दीजिए, देखो भी मैं, आप प्लीज हमारा बैकबोन बनिए, हमारा स्ट्रेंथ बनिए और वुमेन इन सोशल इवेंट्स को विनर बनाइए बाय गिविंग अप एंड बाय सेइंग नो टू ड्रग्स. थैंक यू.